साल 1990 के इतिहास को कुरेदे तो पता चलता है कि कश्मीर में रह रहे पंडितों के साथ कितना गलत हुआ था। खूबसूरत कश्मीर में बसे कश्मीरी पंडितों को 30 साल पहले अपना राज्य छोड़ना पड़ा था, अपना राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि आतंकी संगठनों का कश्मीर पर कब्जा हो गया था और वो कश्मीरी पंडितों पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगे थे। चाहते थे घाटी में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं या तो मुस्लिम धर्म अपना लें या फिर अपनी बहू बेटियों को छोड़कर कश्मीर से चले जाएं। तब के कश्मीरी पंडित अपनी जमीन, अपना आशियाना छोड़कर ऐसे निकले कि वापस नहीं पहुंच पाए। इस घटना के 30 साल के बाद ब्रिटेन की संसद में कश्मीरी पंडितों को लेकर संवेदना व्यक्त की गई है। सोमवार को ब्रिटेन की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कश्मीरी पंडितों से जुड़े प्रस्ताव को सदन में पेश किया, जिसे डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शेनॉन और लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा का भी समर्थन हासिल हुआ। हाउस ऑफ कॉमन्स में लाए गए अर्ली डेमोशन में 1989-1990 में इस्लामिक जिहाद का शिकार बने कश्मीरी पंडितों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई गई है और इस सामूहिक पलायन को नरसंहार की श्रेणी में रखने की मांग की गई है। भारत सरकार से अपील की गई है कि संयुक्त राष्ट्र में नरसंहार अपराध रोकने के लिए हुए समझौते का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते वो अपना अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निभाए और नरसंहार को लेकर अलग से कानून बनाए। ब्रिटिश सांसद ब्लैकमैन, जो कश्मीर को लेकर हमेशा से ही काफी मुखर रहे हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 30 साल पहले अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों के परिवारों को आज भी न्याय का इंतजार है। मैं कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर करीब 3 दशकों से आवाज उठाता रहा हूं और उनके अधिकारों के लिए कैंपेन भी चलाया। भारत में नरसंहार अपराध से जुड़ा कोई कानून नहीं है, इसलिए न्याय में देरी हुई और दोषियों को आज तक सजा नहीं मिल पाई। ब्रिटेन में नरसंहार अपराधों की सजा तय करने के लिए अलग से कानून है क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नरसंहार से जुड़े अपराधों को रोकना और इसके दोषियों को सजा देना हर देश की जिम्मेदारी है। साल 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध के दौरान भी इस तरह के अपराध दंडनीय हैं, चाहे उन्हें कोई शीर्ष अधिकारी ही क्यों ना अंजाम दे। साल 1959 में भारत ने भी इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन भारत ने इसे लेकर अलग से कानून नहीं बनाया। हालांकि कई लोगों का दावा है कि भारत में नरसंहार को लेकर अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में ऐसे अपराधों के लिए पहले से कानून मौजूद है। लेकिन बॉब ब्लैकमैन ने भारत सरकार से नरसंहार कानून के बदलाव को लेकर अपील की है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन में मौजूद भारतीय समुदाय को भी अपने स्थानीय सांसदों के जरिए कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। इससे कश्मीरी पंडितों के लिए लाए गए प्रस्ताव को और समर्थन मिलेगा। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का कश्मीर को लेकर काफी मुखर रुख रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब भारत की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था, तो इस पर भी ब्लैकमैन ने भारत की सरकार के फैसले का समर्थन किया था। कहा था, पूरा जम्मू कश्मीर संप्रभु भारत का हिस्सा है। ऐसे लोग जो वहाँ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने की बात करते हैं, वो उस प्रस्ताव को भूल जाते हैं जिसके मुताबिक राज्य के एकीकरण के लिए पाकिस्तानी सेना को कश्मीर छोड़ देना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई थी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बनाने के लिए लाख कोशिशें कर रहा था, अभी भी कर रहा है। वहीं भारत का हमेशा से कश्मीर को लेकर रुख कायम रहा है। भारत ने हमेशा यही कहा है कि कश्मीर को लेकर भारत कभी भी अपने देश की अखंडता के साथ समझौता नहीं करेगा। लेकिन 1947 से लेकर 1990 आते आते कश्मीरी पंडितों को लेकर घाटी में हालात ऐसे हो गए थे कि 4 जनवरी 1990 को कश्मीर के उर्दू अखबारों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने एक विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया था जिसमें सभी पंडितों को घाटी तुरंत छोड़ देने के आदेश दिए गए थे। विज्ञापन में लिखा था, या तो कश्मीर को छोड़ दो या धर्म बदल लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी विज्ञापन से कश्मीरी पंडितों के मन में खौफ भर गया था और इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के कुछ ही दिन बाद आतंकी संगठन ने घाटी में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और पंडितों पर न सिर्फ अत्याचार बल्कि उनकी खुलेआम हत्या की जाने लगी थी। केंद्र में उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी, राज्य में फारूक अब्दुल्ला सत्ता संभाल रहे थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया था।